आप लोग को अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है। आज आपको परिवार की मूलभूत आवश्यकता अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। जैसे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा और मकान, उससे परिवार की मूलभूत आवश्यकता होता है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा। गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ परिभाषा क्या होता है? गृह व्यवस्था के विभिन्न पक्षों में से एक मुख्य पक्ष है अर्थव्यवस्था। और वास्तव में अर्थव्यवस्था ही वह आधार है जिस पर संपूर्ण गृह व्यवस्था तथा घर परिवार की सुख समृद्धि निर्भर करती है। पैसा ही एक ऐसा चीज है जिससे परिवार की सुख समृद्धि, परिवार का हर दुख सुख ही निर्भर करता है। जिससे पैसे के द्वारा ही हम अपनी सब आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वास्तव में गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था की सफलता आवश्यक होती है। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थ का मतलब समझाया गया है। अर्थ नामक पुरुषों को गृहस्थ जीवन में विशेष महत्व दिया गया। बच्चों, पैसा ना हो तो हम लोग के जीवन रूपी जो गाड़ी है परिवार है वो चल नहीं सकता। परिवार को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। जैसे बच्चों, आप लोग की कॉपी किताब एडमिशन या ड्रेस, ये इन सब चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होती है? पैसे से होती है। पैसा ना हो तो क्या आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इस नाते परिवार में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो सकता है। साधारण शब्दों में कहा जाए धन संपत्ति से संबंधित व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। धन संपत्ति को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तथा जब इस व्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में होता है तब गृह व्यवस्था कहलाता है। और इन सब चीज़ों के बारे में, घर परिवार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बच्चों पढ़ते हैं, उसी को ही गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। गृह अर्थव्यवस्था में साधारण अर्थ को जानने के उपरांत उसको शास्त्रीय एवं जैसे गृह व्यवस्था में अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे मान लीजिए घर का बजट किस तरह बनाया जाए, घर को किस तरह चलाया जाए, घर की आवश्यकताएं किस तरह पूरी जाए, ये सब चीज़ें कहाँ से जब सीखते हैं? कहाँ से मिलता है? पैसे से मिलता है। बिना पैसे के हमारे घर का गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता। जैसे परिवार में संपन्न होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं को, परिवार में संपन्न होने समस्त आर्थिक जितनी चीज़ें अर्थ यानी पैसे से संपन्न होती हैं, उन सब आर्थिक क्रियाओं का संबंध गृह अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनका संबंध मुख्य रूप से धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से होता है। परिवार की मूलभूत आवश्यकता तथा गौण आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर आर्थिक क्रिया संपन्न हुआ करती है। धन का उपार्जन किया जाता है।